हे दे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है कि आज बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ और मिल के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आप जानते ही हैं मेरा लास्ट जो नोटिफिकेशन था उसके में मैंने लिखा था कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ कंडीशंस कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए मुझे ये 4 दिन पूरा बेड रेस्ट लेना पड़ा। तो ऐसे मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन आई वॉज़ फॉलोइंग ऑल द अपडेट्स ऑफ इंडियन फुटबॉल एंड आई वॉज़ पोस्टिंग इन दिस चैनल फॉर यू पीपल टू एक्चुअली गेट अपडेटेड कि क्या हो रहा है इंडियन फुटबॉल के। दो आई वॉज सिक एंड थैंक यू, राइट नाउ आई एम फीलिंग वेरी गुड बिकॉज ऑफ यू पीपल। आप लोग इतना प्रे किए इसलिए आज मैं अभी अभी यहाँ ठीक हूँ। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू पीपल। सो आज का जो एपिसोड होने वाला है वो आप थंबनेल देख के पहचान ही चुके होंगे कि क्या है। आज का एपिसोड है अबाउट हाउ इंडिया कुड गो टू द 2026 वर्ल्ड कप। चलिए यही डिस्कस कर लेते हैं आज के इस एपिसोड में, और इसके बाद हम लोग थोड़ा और भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले लेट्स गेट इट टू। हम लोग जानते हैं कि एशियन गेम्स में हम लोग, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू हु हैव एक्चुअली डिड दिस विथ अस। हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स और आप जैसे फैंस ही, हम लोग सब एक साथ मिल के जुट के गवर्नमेंट को कंप्लाई किया हम लोग के मांग को मानने के लिए कि एशियन गेम्स में हमारे इंडिया को भेजा जाए, एंड वी आर इन द एशियन गेम्स। सो वेरी 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 बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप लोग जो देख रहे हैं, विदाउट यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, जैसे 2018 में नहीं हुआ था। और उसके ऊपर से अभी अगर हम लोग बात करें, हम लोग का जो दो ड्रॉ निकला है, एक एशियन गेम्स का और एक है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का AFC से। सो एशियन गेम्स के ड्रॉ में जो निकला या क्या होगा वो मैं एक अलग एपिसोड में डिस्कस करूँगा। आज करते हैं वर्ल्ड कप ड्रॉज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमको 2026 वर्ल्ड कप में लेके जाने के लिए। क्योंकि हर एक मैच इसमें जो है, इट इज़ नॉट जस्ट very important for us to win, but also it is very important for us to take experience to win the matches. AFC Asian Cup, जो कि आप लोग जानते हैं, AFC Asian Cup जो कि जनवरी में है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, उज्बेकिस्तान, ये सब हमारे ग्रुप में है, इनके साथ हम लोग को खेलना है, सीरिया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमको मिला पहला तो कतार के साथ। हमने इसके पहले दो मैच खेला था, एक होम एक अवे फॉर्मेट में, वो भी क्वालिफिकेशंस के लिए ही था। और वहाँ हम लोग एक मैच ड्रॉ किए थे, एक मैच उनसे 1-0 से हारे थे। 1-0 से जो हारे थे वो हमारे होम में था, और ड्रॉ जो किए थे वो उनके होम में था। तो ये जो हमारा एक बेनिफिट है ना इस बार, मतलब बेनिफिट ऑफ एक्चुअली पुलिंग देम आउट ऑफ नॉट इन्फ्लिक्टिंग सच अ बिग डिफीट हम लोग के ऊपर, तो ऐसे में हम लोग को ये बहुत काम में आएगा। 2019 का बात कर रहा हूँ, जब हम लोग उतने अच्छे खेल नहीं रहे थे, उस समय हम लोग उन लोग को मतलब रोकने में काबिल हो गए, क्योंकि हम लोग के जो कोच है हमारे गैफर इगोस टीमैच ने बोला वी वर द बेस्ट डिफेंसिव साइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट राइट नाउ वी हैव अटैक टू। तो हम लोग को लगता है बाई एनी मीन्स अगर हम लोग कतार के साथ ड्रॉ भी कर लिए, ड्रॉ जस्ट अ ड्रॉ, दैट वुड एक्चुअली गिव अस एन एज। के बाद जो कुवैत है, कुवैत के साथ हम लोग खेले, हम लोग जानते हैं कि कुवैत के साथ कैसा मैच हो सकता है, और हम लोग को क्या करना है कुवैत को हराने के लिए, होम और अवे में दोनों में। और उसके बाद अफगानिस्तान, वी आर नॉट अंडरमाइनिंग एनी टीम अगेन, अफगानिस्तान, मंगोलिया, कोई भी है, और कुवैत। तो बट वी नो दैट हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, एंड वी हैव टू डू इट विदाउट एनी थर्ड थॉट इन योर हेड। तो हम लोगों को अभी सेकेंड या फर्स्ट स्पॉट के लिए लड़ना है। द फैक्ट इज दैट वी हैव टू कम फर्स्ट और सेकेंड इन दिस क्वालिफिकेशन टू एक्चुअली गेट इनटू द थर्ड राउंड, जो कि हम लोग जानते हैं 6 टीम कि एक ग्रुप होगी जिसमें हम लोग को क्वालिफाई करना पड़ेगा इन फर्स्ट 1 और 2 पोजीशन, तब जाके हम लोग डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए होंगे। ऐसे भी हम लोग अगर थर्ड ग्रुप में चले गए यहाँ से, तो हम लोग वैसे भी AFC एशियन कप के लिए तो क्वालिफाई हो ही चुके होंगे, बट हम लोग फर्स्ट और सेकेंड में अगर फिनिश ऑफ किए उस ग्रुप में, थर्ड राउंड में, तब हम लोग डायरेक्टली वर्ल्ड कप 2026 में जाएंगे गाइस। एंड ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है हमारे लिए, गिवन कि कैसा ड्रॉज मिले, क्योंकि ये वाले ड्रॉ जो हम लोग को मिले हैं ये बून और बेन दोनों में ही है, क्योंकि इट कुड बी अ गुड साइन, इट कुड बी अ बैड साइन, क्योंकि कुवैत के साथ हमारा राइवलरी है ही, आप लोग जैसे देखे हैं, कतार के साथ हमारा मैच हो चुका है, लेकिन कतार इज़ अ वेरी फार मोर सुपीरियर टीम, बट आई डोंट टेक इट एज फॉर दैट, क्योंकि मैं इसमें आपको चीज़ बोलना चाहूँगा, मैनी ऑफ द पीपल वर सेइंग दैट कतार मैक्सिको को हरा के आ गई,
तो आप ये सोचिए, कतार को आप इस रिगार्ड पे रख रहे हैं कि वो मैक्सिको को हरा के आ गए, हम लोग उसको कैसे हराएंगे। अब अगर हम आपको एक चीज़ सोचने के लिए बोले कि कतार का रैंकिंग, आप रैंकिंग का बात कर रहे हैं, तो कतार का जो रैंकिंग है और मैक्सिको का जो रैंकिंग है, कतार जाके मैक्सिको को हरा के आ गई ना, तो उन हिसाब से तो मैक्सिको वाले फैन के इस पे कतार वाले फैन को सोचना चाहिए कि अरे कतार कहाँ नीचे और वो मैक्सिको कैसे हरा के आएगा, वो होम में जाके उनको मैक्सिको के होम पे जाके हरा के आए अपने अवे जाके। तो अगर कतार कर सकती है तो इंडिया और कतार में भी उतना ही डिफरेंस है रैंकिंग का जितना कि कतार और मैक्सिको में है, तो हम लोग भी कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है नहीं कर सकते। सो बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस, नॉट जस्ट बींग पेसिमिस्टिक अबाउट एवरीथिंग। टेकिंग ये जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो कि हमारे कोच इगो स्टीमैच ने ये भी बोला कि हम लोग को ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स उतारना पड़ेगा। वी ऑलवेज पोज आवर सेल्फ लेसर देन एनीबडी एल्स। क्यों? हम लोग भी फुटबॉल खेलने गए, वो लोग भी फुटबॉल खेलने गए, कतार वाले कोई मतलब हमारे साथ आके ऐसे तो कुछ ऐसा नहीं दिखा देंगे कि उनको कल से मेसी या रोनाल्डो बुलाने लगेंगे, या ऐसा कुछ टीम वर्क दिखा देंगे कि उनको कल का जर्मनी बुलाने लगेंगे। यू वर कॉल द ब्राजील्स ऑफ एशिया। सो इस बात पे आप लोग को गर्व होना चाहिए। आई डोंट नो एनी ऐसा तकमा उन लोग को दिया गया होगा इसके पहले। सो नेवर अंडर एस्टिमेट योर पावर्स इन अ फील्ड, ठीक है? ये पहला बात है, डोंट अंडर एस्टिमेट योर पावर। सेकेंड बात ये है कि हम लोग कुवैत को हरा चुके हैं, फिर से भी वो कारनामा कर सकते हैं अगर हम लोग ठीक से खेले तो, और वो हम लोग कर भी लेंगे। और मंगोलिया और अफगानिस्तान से अगर हम लोग ये कहें तो वी हैव अ स्पॉट इन द फर्स्ट ऑफ दिस ग्रुप और द सेकेंड ऑफ दिस ग्रुप, कुछ हो सकता है। ये दोनों में हम लोग जाएंगे ही, थर्ड ग्रुप में जाने से मतलब है। जैसे ही थर्ड ग्रुप में चले गए, वी आर वेरी हैप्पी टू कन्फाइन आवर सेल्व इन सिक्स ग्रुप, आई मीन सिक्स टीम ग्रुप। एंड उसके बाद हम लोग उसके में, हम लोग को फर्स्ट वन से फोर पे आना है, क्योंकि फोर थ्री और फोर हुए तो हम लोग नेक्स्ट राउंड में जाके क्वालिफाई करने का और एक चांस मिलेगा। और वन और टू में किए तो भाई हम लोग को तो कोई पूछने का बात ही नहीं है, हम लोग वैसे भी कर जाएंगे। सो द चांसेस आर वेरी गुड, वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड सपोर्ट आवर लैड्स। वी नो आवर लैड्स आर वेरी वेरी फाइन, दे आर वर्किंग वेरी फाइन एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। सो ऑल वी नीड इज योर सपोर्ट। दिस इज द चांसेस ऑफ इंडिया गोइंग टू द 2026 वर्ल्ड कप, विच इज आई थिंक एट अ 50-50 और 60-40 चांस ऑफ इंडिया टू गो टू लाइक द वर्ल्ड कप ऑफ 2026। अभी तक बहुत जन सोच रहे हैं 32 टीम्स के नज़रिया से, मैं सोच रहा हूँ 48 टीम के नज़रिया से, इसलिए मुझे लग रहा है कि इट्स अ वेरी गुड चांस फॉर इंडिया टू गो टू 2026 रादर देन 2030 या 2034, जो कि बहुत जन बोल रहे हैं। आज मोहन बगान डे है, सो हैप्पी मोहन बगान डे टू एवरी वन हु इज़ वॉचिंग दैन। आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन मोहन बगान सून। टिल देन आज के लिए इतना ही, तो जा ही रहिएगा इस वीडियो पे ऐसे ही करके, और अपना प्यार बरसाते रहिएगा। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइज एंड टेक इट टू अ न्यू लेवल। हम लोग ऐसे ही बात करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, एंड डू डू योर डीड फॉर दिस चैनल। आई विल बी ब्रिंगिंग यू द नेक्स्ट टुमारो। टिल देन, पीस ऑफ।